कैसे होंगे। तो चलें जी, आज मैं आपके लिए तरबूज ड्रिंक, वाटरमेलन ड्रिंक लेके आई हूँ, और बड़ा इजी और बड़ा मज़े का। गर्मियों में या वैसे आप, आजकल रमज़ान है तो आप इफ्तारी में बना सकते हैं, और बड़ा मज़े का ठंडा ठंडा ये लगता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पैन ली है, इसमें मैं तकरीबन 2 कप दूध डालूँगी। चलें जी, मैंने 2 कप दूध डाल दिया है, और इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठंडे में डालना है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया लेकिन अभी दूध ठंडा है। तो 3 टेबल स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलेंगे, मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो जब ये बॉयल आएगा तो ये बड़ी जल्दी से कुक हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर है और बड़ी जल्दी थिक हो जाता है। तो चलें जी, इसका वेट करते हैं बॉयल आने का। ये देखें जी, थिक होना शुरू हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इसको थिक करना है। बस ये थोड़ा सा और कुक होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, बबल आने शुरू हो गए हैं। ये देखें, अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और ये तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उतनी देर में हम एक शेक बना लेते हैं। चलेंगे, ये देखिए जी, ये हम इसमें डालेंगे दूध, तकरीबन 3 कप दूध है ये। ये देखें, और साथ ही ये तरबूज ये डाल दूंगी थोड़ा सा, तकरीबन 1 पीस उसको मैंने काट के, तो ये डाल दिए। और ये बड़ा मज़े का लगता है ठंडा, इसका फ्लेवर भी लहदा से होता है। आप बना के देखें, आपको बड़ा टेस्ट आएगा। देखें जी, इसी में मैं डालूंगी रूह अफ़ज़ा। आप रूह अफ़ज़ा या जामे शरी जो भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन इसको मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पीना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यह आपके टेस्ट के मुताबिक है। मैंने थोड़ा सा बाहर आ रहा था जग से, तो मैंने इसमें डाल दिया था, मैं सारा डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें जी, मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी इसमें। ये देखें, और ये लहदा से दूध हम बनाएंगे इसमें डालने के लिए। और ये बादाम है, इनको मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और छिलका इनका भिगो के मैंने रखे थे, छिलका उतार लिया, ये डाल दूँगी। और अब इसको करेंगे ग्राइंड। देखिए, ये जो दूध बनाया ये मैं इसमें डालने लगी, और इसको मैं मिक्स कर, आपने इसमें बर्फ़ नहीं डालनी, बर्फ़ के बगैर इसको ठंडा करना है। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो अफ्तारी का टाइम होने वाला था, इसलिए मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली है। लेकिन आपने फ्रिज में इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है ताकि ये पतला ना हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको थिक बनाना है। अभी हम जो हमने इसका कस्टर्ड बनाया है वो इसमें डालने लगे हैं। ये देखेंगे, साथ ही मैं इसमें डालूँगी। अब ये देखें जी, हमने ये ठंडा कर लिया है। आपको मैं फिर बता रही हूँ कि आपने बर्फ़ के बगैर इसको ठंडा करना है, फिर इसका मज़ा आएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। तो इसलिए हमने फ़ौरन इसको अभी सर्व कर देना, पी लेना। आप इसमें ये डालूंगी मैं, ये जो मैंने कस्टर्ड बनाया, ये देखें, और मज़ेदार सा ड्रिंक हमारा तैयार है। आप अफ्तारी भी बनाएंगे, ऐसे गर्मी स्टार्ट हो रही है, बना सकते हैं। मैं इसको मिक्स करती हूँ, ये देखिए जी। अब मैं दूसरे जग में इसको डालती हूँ। ये देखिए नहीं, मैंने डाल लिया है। अब मैं थोड़ा सा ये गिलास में भी डालूंगी। अब ये देखें, ये मैंने 1 पीस लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर छोटे छोटे चम्मच कर लिए तरबूज के, ये मैं डाल दूंगी इसमें। ये देखें जी, ये बड़ा मज़े का लगता है, आप ज़रूर बनाना, आपको इतना टेस्टी लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम ये ज़रूर इफ्तारी में बनाते हैं, और मेरे बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं, और आपके घर वाले आपके बच्चे बड़े शौक़ से पियेंगे। ये देखिए, इसमें डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखें, आप इसमें चाहें तो बच्चों के लिए जेली भी डाल सकते हैं,
लेकिन मैंने नहीं डाली, ये पिस्ता थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें भी, और ये बादाम है, कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं इसमें, ये देखिए। चलें जी, मज़ेदार सा ठंडा सा हमारा ड्रिंक तैयार है। अफ्तारी में बनाए, वैसे बनाए, इंजॉय करें और बच्चों को बना के दें, इंजॉय करवाएं। चलें जी, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।